places here in Palo Alto firewall. And before initial configuration, here like there are a lot of deployment options in डिप्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल इसमें एक तो इनका हार्डवेयर अप्लायंस होता है, हार्डवेयर अप्लायंस या वर्चुअल एडिशन है, वर्चुअल अप्लायंस. एंड द थर्ड वन इज क्लाउड एडिशन. क्लाउड एडिशन, क्लाउड पर्टिकुलरली इनका जो AWS क्लाउड है, और अभी इन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ भी टाई अप कर लिया है. तो देर आर थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, हार्डवेयर, वर्चुअल एंड क्लाउड एडिशन. कोई भी ऑप्शन हम लोग चूज करें, क्लाउड में भी क्लाउड में भी जो एडिशन है क्लाउड का है, तो ये वर्चुअल ही बेसिकली, इट्स नॉट फिजिकल. सो अगेन वर्चुअल ही है. बट इन सब में कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ऑलमोस्ट सब में सेम है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी. और आगे जो पॉलिसी, नेट पॉलिसी, जो भी हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, हार्डली देर आर वन आर टू डिफरेंसेस, नॉट मोर देन दैट. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड एडिशंस दे डू नॉट सपोर्ट फायरवॉल वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल सिस्टम्स. अनदर लिमिटेशन इज इन क्लाउड एडिशन इंटरफेस के कुछ मोड्स होते हैं, टोटल पांच डिफरेंट इंटरफेस टाइप्स हैं यहाँ पे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वो इन दोनों में अवेलेबल है. क्लाउड एडिशन में सिर्फ दो इंटरफेस टाइप ही होता है सिर्फ. तो ऐसे बस लाइक हार्डली वन आर टू डिफरेंसेस, दैट्स ऑल. अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, नो मैटर लाइक इस हार्डवेयर आर वर्चुअल आर वट एवर जो भी अप्लायंस है. बट इनिशियल कन्फिग्रेशन जो होगा वो कैसे हमें स्टार्ट करना होता है, कहाँ से करना होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक इसका एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होगा, डिफॉल्ट आईपी एड्रेस, मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी एड्रेस, बेसिकली मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी एड्रेस is 192.168.1.1 and username password is like admin admin. तो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है. और पहला स्टेप यही होता है कि हमें इफ रिक्वायर्ड देन वी जस्ट गो अहेड एंड कॉन्फिगर मैनेजमेंट इंटरफेस. If required, then we may configure management interface. और management interface का जो configuration होता है, अभी मैं GUI आपको दिखाता भी हूँ एक बार. तो device का जो टैब है वहाँ पे I believe setup टैब जो होगा, ये web UI का ही पेज है. web UI like web user interface configuration, GUI like, तो web UI means is GUI mode, web graphical user interface. या वेब यूजर इंटरफेस, इंटरफेस. ऑलराइट. सो यहाँ पे डिवाइस के अंदर सेटअप का एक टैब होगा, और सेटअप टैब के अंदर जाके वहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं. तो इंटरफेसेस करके होगा यहाँ पे. तो इंटरफेस पे हमें अगर कुछ चेंज करना हो, तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस, डिफॉल्ट आईपी, मे बी मास्क, हमें भी गेटवे एटसेट्रा, तो ये सारी कन्फ्यूजन हम लोग चेंज कर सकते हैं. बिकॉज समटाइम्स हम लोग डिफॉल्ट आईपी को भी चेंज कर देते हैं, जो मैनेजमेंट का आईपी होता है. ये भी मैं समझाता हूँ आपको एक बार. उसके बाद इफ रिक्वायर्ड देन कन्फिगर अदर सेटिंग्स, जो बाकी चीजें हैं लाइक DNS एंड NTP, ये सब हम लोग कन्फिगरेशन एटसेट्रा, ये सब भी हम लोग कॉन्फिगरेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे कुछ सो बाय डिफॉल्ट पिंग, SSH एंड HTTPS आर अलाउड ऑन मैनेजमेंट इंटरफेस. ये मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर ये सब कुछ अलाउड होता है. तो अगर हमें इनिशियल कुछ कन्फ्यूजन करना है, तो हम लोग ये अप्रोच लेके चलते हैं. एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, फिर ये समझाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ मैं जरा लाइसेंसिंग के ऊपर इसके. तो अगर हमारे पास एक पालो अल्टो का अप्लायंस है,
मैनेजमेंट के लिए देर आर टू पोर्ट्स, वन कंसोल पोर्ट, कंसोल, तो कंसोल पोर्ट इज फॉर सीएलआई एंड वाया सीरियल केबल ऑफ कोर्स, सॉरी, अनदर वन इज मैनेजमेंट पोर्ट। ये जो दो पोर्ट्स हैं, मैनेजमेंट पोर्ट और कंसोल पोर्ट, ये दोनों ही मैनेजमेंट के पर्पस के लिए यूज के होते हैं। अगर मैनेजमेंट पोर्ट से हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है, सो वी नीड एडमिन पीसी लाइक लैपटॉप और डेस्कटॉप, एंड दिस कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू मैनेजमेंट पोर्ट ऑफ द फायरवॉल, एंड मैनेजमेंट पोर्ट डिफॉल्ट आईपी हियर इज 192.168.1.1, एंड दिस मैनेजमेंट पोर्ट अलाउज एसएसएच बाय डिफॉल्ट पिंग एंड एचटीटीपीएस। सो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन मीन्स लाइक एचटीटीपीएस कॉलन डबल स्लैश, एंड दिस लैपटॉप और डेस्कटॉप मस्ट बी असाइन एनी आईपी एड्रेस ऑफ दिस सेम सबनेट, एंड देन एचटीटीपीएस ओपन ब्राउजर एंड टाइप इन हियर मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी एड्रेस 1.1, यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी रिक्वायर्ड हियर व्हिच इज एडमिन एडमिन। सो वंस यू हैव टाइप in here username and password, then you'll get access to this GUI page, web configuration page, or web configuration utility page. And from there, if you want to change now this default IP address, you can do that. You may change the default username password like credentials and NTP, DNS server settings, gateway IPs. So you may change all that if like you think like that management interface IP शुड बी चेंज देन। अच्छा, ये क्यों करते हैं मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी चेंज हम लोग? क्योंकि प्रोडक्शन नेटवर्क में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे अप्लायंसेज या डिवाइसेज होते हैं, जैसे हमारे पास एक पालो ऑल्टो फायरवॉल हो गया, हो सकता है कि हमारे पास नेक्सस का कोई डिवाइस हो, सिस्को का ऐसे फायरवॉल है, F5 डिवाइस लगा हुआ है, कोई और डिवाइस लगा हुआ है, सब रैक में लगे हुए हैं। तो पहली बात, मैक्सिमम डिवाइसेस का डिफॉल्ट आईपी 192.168.1.1 होता है, और चेक पॉइंट फायरवॉल लगा हुआ मान लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं। तो अगर सबका सेम आईपी होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन सारे डिवाइसेस को एक स्विच के साथ इसके मैनेजमेंट पोर्ट को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, डेडिकेटेड एक आइसोलेटेड स्विच होगा, कोई भी नॉन मैनेजेबल या लेयर टू कोई भी स्विच हो। तो अगर हमें आउट ऑफ बैंड मैनेज करना है इसको, तो मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे लगाऊंगा, और अगर इनका सबका आईपी कुछ ऐसा है, जैसे इसको आईपी मैंने 1.100 डाल दिया, इसको 101 डाल दिया, इसको 102 डाल दिया, इसको 103 डाल दिया, तो फ्रॉम दियर हियर लाइक आई मे एक्सेस मैनेजमेंट इंटरफेस ऑफ ऑल द डिवाइसेस। और एक तरीके से इधर से इंटरनेट भी अगर चाहिए होगा तो हम लोग राउटर लगा के इधर से भी हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और चाहे तो फिर हम लोग यहाँ पे मैपिंग वैपिंग करके, नेटिंग करके बाहर से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग आउट ऑफ बैंड। बट ये डेटा पोर्ट्स नहीं है, ये मैनेजमेंट ओनली पोर्ट्स हैं, एक तरीके से मैनेजमेंट पर्पस के लिए, यहाँ से ट्रैफिक पास थ्रू नहीं होता है, और तो एक तरीके से कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक हो गया, जो ट्रैफिक टू द डिवाइस है, ट्रैफिक थ्रू द डिवाइस नहीं है। और एक और चीज की, नॉट ओनली इन पालो अल्टो फायरवॉल, इन अ लॉट ऑफ फायरवॉल, इवन इन से इसमें सिस्को एएसए फायरवॉल, जो रेगुलर एसीएल हम लोग लगाते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसको हम लोग पालो अल्टो या चेक पॉइंट में पॉलिसी बोलते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, तो हमेशा जो रेगुलर एसीएल होता है वो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है जो ट्रैफिक डिवाइस के थ्रू पास होता है, जो डिवाइस के लिए होता है, डिवाइस टू, वो एसीएल से नहीं कंट्रोल होता है। इट मींस अगर यहां से, ये मेरा लाइन है, यहां से इधर ट्रैफिक जा रहा है, तब तो वो प्रोसेस होगा कि ट्रैफिक इन हुआ, आउट हुआ एसीएल से, लेकिन जो यहीं से इनिशिएट हो रहा है, या इसी इंटरफेस को पिंग कर रहे हैं, इसी को टेलनेट मार रहे हैं, या इसी को कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये रेगुलर एसीएल का रोल नहीं होता है। एएसए में भी सेम हियर, पालो अल्टो फायरवॉल, जो ट्रैफिक पास हो रहा है दो इंटरफेस के बीच में, जो ये डेटा इंटरफेसेस हैं रेगुलर, इनको तो हम सिक्योरिटी पॉलिसी से कंट्रोल करेंगे, बट से कोई ऐसा इंटरफेस है जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस ही है,
ये रेगुलर डेटा पोर्ट्स नहीं है, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक जा रहा है सिर्फ, नॉट पासिंग थ्रू द डिवाइस। तो इस इंटरफेस पे क्या अलाउ होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं करेंगे। इवन इवन लेट्स से इसी इंटरफेस की बात कर लें, बाहर से क्या मैं इस इंटरफेस के आईपी को पिंग कर सकता हूँ कि नहीं, क्या इस इंटरफेस के आईपी को मैं एसएसएच कर सकता हूँ कि नहीं, एचटीटीपीएस कर सकता हूँ कि नहीं, अगेन दैट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉर दैट स्टेट वे वी मे इनेबल और डिसेबल लाइक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर इंटरफेस बेसिस हियर इन पालो अल्टो फायरवॉल, इन पालो अल्टो फायरवॉल। सो दैट दैट इज समथिंग डिफरेंट अप्रोच हियर, और ये ऑलमोस्ट हर एक फायरवॉल में होता है। तो मोटे तौर पे कंक्लूजन ये है कि जो फायरवॉल्स होते हैं वो उस ट्रैफिक को पॉलिसी या एसीएल से कंट्रोल करते हैं जो डिवाइस के थ्रू ट्रैफिक जाता है, डिवाइस के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार हम लोग इस तरीके से इसको एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मेन चीज है इसका लाइसेंस थोड़ा समझना और इसकी सब्सक्रिप्शन और लाइसेंसिंग किस तरीके से होगा। तो अगर हम लोग लाइसेंसेस के बारे में बात करें तो लाइसेंसेस एंड सब्सक्रिप्शन, सो लाइसेंसेस में पहला लाइसेंस हमें लेना पड़ता है थ्रेट प्रिवेंशन का, थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। अगर थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस है तो इसके अंदर काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं एक ही लाइसेंस के अंदर। एक तो एंटीवायरस, एंटीवायरस आ जाएगा, एंटी स्पाईवेयर, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन लाइक विच इज एंटी एंटी वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन एंड बेसिक वाइल्ड फायर भी आ जाता है। वैसे तो बेसिक जो कल बात कर रहा था मैं वाइल्ड फायर के बारे में, जो ये एक ही लाइसेंस में आ जाएगा थ्रेट प्रिवेंशन में। इसके बाद यूआरएल फिल्टरिंग के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, फॉर यूआरएल फिल्टरिंग इसका लाइसेंस अलग से हमें लेना पड़ेगा। एक और लाइसेंस है जो मस्ट है और वो होता है ग्लोबल प्रोटेक्ट का, इसका भी हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो अगर रिमोट एक्सेस वीपीएन हम लोग कॉन्फिगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग चाहें तो वाइल्ड फायर का अलग से भी ले सकते हैं, वाइल्ड फायर का। और ये एक तरीके से एडवांस फीचर्स होते हैं इसके अंदर, प्लस प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल अपडेट्स मिलेंगे आपको। जो अपडेट होंगे, जो नए जीरो डे अटैक्स होंगे, तो वो प्रिफरेंशियल अपडेट्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ एडवांस फीचर्स हो जाते हैं अगर हम लोग वाइल्ड फायर का अलग से लेते हैं। तो बेर मिनिमम आपको ये चार लाइसेंस अलग अलग चाहिए होता है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं ग्लोबल प्रोटेक्ट की जरूरत नहीं है, रिमोट एक्सेस वीपीएन नहीं है, सो डोंट गो विद दिस रिमोट प्रोटेक्ट वीपीएन, तो आपको इसका रिंग पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अलग अलग कितने लाइसेंस चाहिए उसके हिसाब से टोटल वो वहां पे हमें पे करना पड़ता है। तो वो और ऑफकोर्स की इनके पोर्टल पे जाके डिवाइस को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा तो रजिस्टर करना पड़ता है फायरवॉल को, एक आईडी बना के और वहां पे अपना डिवाइस का जो सीरियल नंबर नंबर होता है वो डालना पड़ता है। अगर आपको ईमेल और चैट सपोर्ट जो भी सपोर्ट है इनका, अगर वो सब चाहिए होगा तो बेसिकली इनिशियल कन्फ्यूजन तो कोई खास बात हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, हम लोगों ने बस आईपी लगाया और इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। लेकिन इसके बाद जो इंटरफेस कॉन्फिगरेशन है उसमें बहुत सारी बातें हैं। इंटरफेस मीन्स रेगुलर इंटरफेस, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं उस इंटरफेस के बारे में, बात मैनेजमेंट इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ और उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। ये देखिए, हम तो मैंने एक सेकेंड में थोड़ा सा ये ओपन कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। और ये आप भी एक्सेस कर सकते हो, आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से एक्सेस करके कैसे आप लैब कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो प्रॉपर जब लैब स्टार्ट होगा तो दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं प्रॉपर किसी भी फायरवॉल को लाइव करने के लिए, लाइव फायरवॉल को मिनिमम कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है हमें टू ब्रिंग अप फायरवॉल लाइव। और ये क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है मिनिमम, तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में एक तो आपको
ऑफ कोर्स की जो लैन वैन साइड के इंटरफेसेस हैं वो चाहिए होगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन जो आज अभी हम लोग बात करेंगे, ये इंटरफेस डेटा पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, एंड देन राउटिंग की ज़रूरत है, राउटिंग करना पड़ेगा हमें, एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि बिना सिक्योरिटी पॉलिसी के कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, एंड देन नेट पॉलिसी। तो बेयर मिनिमम किसी भी फायरवॉल को लाइव करने के लिए ये चार चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दीज फोर, लाइक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। टुडे आई बिलीव हम लोग आज ये कंप्लीट कर लेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। राउटिंग तो छोटा सा डिफॉल्ट राउट की ही ज़रूरत है इंटरनेट चलाने के लिए, तो यहाँ पे तो कुछ अभी खास नहीं चाहिए होगा हमें, बट डिफॉल्ट राउटिंग चाहिए होगा, डिफॉल्ट राउटिंग राउट और सिक्योरिटी पॉलिसी, ये हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, और नेट पॉलिसी। जब ये चार कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्लस इसके कॉन्सेप्ट को, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट डूइंग आवर लैब, और उसके बाद फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक कोई भी लैब आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग ये करने के बाद। तो आज हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे, दूसरा तो छोटा सा है और ये दो थोड़े से फिर बड़े चैप्टर हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग ऐप आईडी और वो कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, आईपीसेक वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन, वो सारे टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और साथ साथ फिर लैब करते रहेंगे। तो अभी हम लोग साथ साथ लैब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेयर मिनिमम ये पहले हमें करना पड़ेगा कंप्लीट, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट फिर भी मैं आपको दिखाता रहूँ ऑप्शन जो जो है। तो अभी जो मैंने एक्सेस किया वो अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी से एक्सेस किया हुआ है इसको, बिकॉज मैं भी इंस्टीट्यूट 10 बजे ही पहुँचता हूँ, तो अभी मैं घर से ही क्लास लेता हूँ आप लोगों का। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्योंकि मैं उस नेटवर्क में नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो फायरवॉल है इसका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, ये जिसका कि IP 192 के रेंज में होता है, हमारे यहाँ भी वही है, मैंने इसका लास्ट चेंज कर रखा है 253 कर रखा है। एक इसका लैन इंटरफेस है और एक इसका वैन इंटरफेस है फायरवॉल का। तो बेसिकली मैं जो पब्लिक वाला इंटरफेस है इसके थ्रू एक्सेस किया हुआ है, यानी कि इस पोर्ट के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, HTTPS को अलाउ कर रखा है, बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता है इस इंटरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से आई एम रीचिंग हियर टू दिस फायरवॉल बाय यूजिंग इस एक्सटर्नल इंटरफेस आईपी एड्रेस व्हिच इज पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड इफ आई एम हियर लाइक इन द सेम नेटवर्क कनेक्टेड टू दिस मैनेजमेंट इंटरफेस, सो आई मे यूज दिस मैनेजमेंट आईपी एड्रेस टू कॉन्फिगर दिस पालो अल्टो फायरवॉल। ओके, सो इफ वंस लाइक यू ओपन दिस, सॉरी, जैसे आप पहली बार एक्सेस करते हो तो ये पेज खुल जाता है, पहला टैब डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये विजिबिलिटी होती है हाई अवेलेबिलिटी का, इंटरफेसेस का, टॉप एप्लीकेशंस और ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ पर भी वही देखता है, दिखाता है कि टॉप एप्लीकेशंस कौन से हैं, कितना यूटिलाइजेशन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन। ये मॉनिटरिंग के लिए, यू अंडरस्टैंड, लाइक फॉर द लॉगिंग एंड ट्रैफिक लॉग, थ्रेट लॉग्स, एंटीवायरस, यूआरएल फिल्टरिंग एंड द पैकेट कैप्चर, इवन वायशा कैप्चर, एवरीथिंग हियर एंड सम रिपोर्टिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी वर्किंग एट दिस टैब, पॉलिसीज टैब एंड एज वेल एज नेटवर्क टैब, सो दीज टू टैब्स, इस पे हम लोग मैक्सिमम काम करेंगे, पॉलिसीज के ऊपर एंड नेटवर्क टैब, जस्ट फॉर डूइंग नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन लाइक इंटरफेस कॉन्फिग्रेशन, राउटिंग एंड वीपीएन कॉन्फिग्रेशन एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट इज अगेन टू क्रिएट नेटवर्क ऑब्जेक्ट, होस्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल अदर स्टफ, ये भी आगे हम लोग देखेंगे, बट टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस डिवाइस टैब हियर, सॉरी डिवाइस टैब, दिस वन द लास्ट टैब हियर डिवाइस, सो जस्ट क्लिक दैट डिवाइस टैब एंड हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो फर्स्ट सिलेक्शन इज हियर लाइक डिवाइस टैब, द फर्स्ट सिलेक्शन, एंड देन लुक एट द लेफ्ट कॉलम, लाइक हियर वी हैव सेटअप, हाई अवेलेबिलिटी, कॉन्फिग ऑडिट एंड डिफरेंट ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस आर हियर, सो क्लिक हियर ऑन डिवाइस टैब एंड देन द सेकेंड सिलेक्शन इज सेटअप, तो डिवाइस एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सेटअप, एंड देन हियर लाइक देर आर डिफरेंट टैब्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सर्विसेज, इंटरफेसेस, टेलीमेट्री, कंटेंट आईडी,
वाइल्ड फायर सेशन एंड एच एस एफ, ये आगे हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे क्या क्या इसमें ऑप्शंस है. बट पर्टिकुलरली अगर आप इस मैनेजमेंट इंटरफेस को आप देखो, तो लुक एट दिस आईपी एड्रेस. इस डिफॉल्ट आईपी एड्रेस इज 192.168.1.1, बट हियर इज 253 बिकॉज आई हैव चेंज द डिफॉल्ट आईपी एड्रेस. सर्विसेज इनेबल्ड इज व्हाट पिंग एचटीटीपीएस एंड एसएसएस एंड फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस. सो एनीवन कैन एक्सेस दिस डिवाइस बाय यूजिंग इस मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड बाय यूजिंग दीज थ्री सर्विसेज आर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स. So, but how to edit like this management interface settings? So, click here, management interface, and here, like there is option to change the IP address. It's management interface IP address. You must remember that. Subnet mask, default gateway. Here, network connectivity services. So basically, we are controlling these management related protocols from here only, not by using or applying any security policy, because security policy or access control list controls traffic passing through the device, not to the device. So it's very different here, right? If you want to control traffic to the device, then this is the place like from where we can make our selection. Maybe we made these lists of options, and on the right hand side, look at this permitted IP address section. So we may put here some IP address. So let's say I said 192.168.1.50. Now, this device can be accessed from this IP address only, 1.50. And in case if we have not specified any IP address here, it means any 000/0, anyone who knows the IP address and credentials like username and password. And of course, if IP reachability is there, then this device can be accessed by using these protocols, only these protocols like HTTPS, SSH, and ping, only these three protocols. Or agar hum logo kuch aur like services, if I want to configure services, so to edit any option like here, there is a gear box here. Just we need to click here to open up the setting page. So click at this setting. And here we have option to change the DNS server, or maybe NTP configuration, like to synchronize date and time. So we may do all this. So we may change a lot of information from here if required then. So bare minimum, hume ye karna hota hai. And for licensing a dynamic update on the left hand side here, there is option of dynamic update. Ye. Or dynamic update pe click karke, agar hum log check now pe click karenge, agar kuch update hoga toh, वो यहां से दिखा देता है प्रोवाइडेड योर फायरवॉल शुड बी लाइव एंड लाइसेंस ऑफ कोर्स. तो इस तरीके से हम लोग यहां पे अपडेट हम लोग एक बार चेक करके और यहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं. तो ये एक अगला टैब होता है जो यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं ऐसे. तो अभी इसी के बारे में बात हो रही थी, वो चेक कर रहे. तो सो लाइक नथिंग लाइक देयर इज नॉट अ लॉट टू डू हियर लाइक इन इनिशियल कॉन्फिगरेशन. इट्स ऑल अबाउट manipulating management interface IP, or maybe management services or protocols, plus licensing. So licensing ka jo part hota hai, wo like one has to take care of that, because kyunki bina license ke kuch features nahi kaam karte hain. So but the main